नमस्ते काकी। नमस्ते काकी। नमस्ते बच्चों। काकी, क्या रवि तैयार है? अरे रवि आज स्कूल नहीं जाएगा। क्या? जल्दी चलो, देर हो रही है स्कूल के लिए। लेकिन रवि, तुम तो कभी स्कूल जाना ही नहीं चाहते थे। अरे काकी, यूपी में 1,60,000 स्कूलों में अब ऐसा ही हो रहा है, बच्चे स्कूल जाना चाहते हैं। अच्छा, जरा मैं भी तो देख के आऊँ, ऐसा क्या हो रहा है स्कूल में। अरे इस स्कूल का तो नक्शा ही बदल गया है। वाह। अरे काकी, आप यहाँ कैसे? सोचा आज आखिर रवि का स्कूल देख ही लूं। चलिए। चलो काकी, ये है हमारी विज्ञान प्रयोगशाला। भाई वाह। काकी, ये सारे टेस्ट ट्यूब्स और केमिस्ट्री सेट नए हैं। बच्चे कितनी रुचि से काम कर रहे हैं। देखो काकी। What is your mother's name? Madam, Ravi, madam, please give the answer. कैसे जवाब दे पाएगा रवि? My mother's name is Sushila. Well done, Ravi. कमाल हो गया। अरे मम्मी, बड़े दिन हो गए थे, सोचा तुम्हारा स्कूल देखा हूँ। नमस्ते मैडम जी, आज बहुत दिनों बाद स्कूल देख के मेरी आंखें खुल गईं। लेकिन स्कूल में इतना बदलाव आया कैसे? अभी उत्तर प्रदेश। मैं बताता हूँ, इससे। इस फोन से? हाँ, मिट्टू सही बोल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूल में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए एक ऐप बनाया है जिसका नाम है प्रेरणा। इस ऐप के माध्यम से उत्तर प्रदेश के किसी भी विद्यालय को लॉगिन करके अधिकारी उसके बारे में जानकारी दर्ज कर सकते हैं। इस जानकारी को इस्तेमाल करके यूपी सरकार और शिक्षा विभाग शिक्षा के स्तर को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले स्कूल पहुंचते ही शिक्षा विभाग के अधिकारी अपना जीपीएस लोकेशन दर्ज करते हैं, फिर स्कूल की एक तस्वीर लेके अपलोड कर देते हैं। ऐसा क्यों? मान लो कि अधिकारी ने देखा कि विद्यालय में पुस्तकालय की स्थिति अच्छी नहीं है, वो एक तस्वीर लेके प्रेरणा ऐप पे अपलोड कर सकते हैं, बस कुछ ही हफ्तों में। वाह, कितनी सारी किताबें। पहले हमारे स्कूल में खाना बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं था। प्रेरणा ऐप पे सुझाव दिया गया कि खाने में सुधार लाना है। फिर क्या हुआ? होना क्या था, देखो बच्चे कितने मजे से खा रहे हैं। अब तो इतनी सारी गतिविधियाँ होती हैं कि स्कूल में मजा आता है, जैसे ये चित्रकला प्रतियोगिता। क्या ये गतिविधियाँ भी आपके माध्यम से होती हैं? जी बिल्कुल, शिक्षा विभाग से हमें प्रशिक्षण मिलता है कि सिखाने को और रुचिकर कैसे बनाया जाए। गीता मैडम, आपने तो कमाल ही कर दिया। अरे नहीं नहीं, सिर्फ मैंने नहीं, शिक्षा विभाग के सभी स्तर के अधिकारी, शिक्षक तथा शिक्षक संघ, SMC, ग्राम पंचायत और जागरूक अभिभावक तथा हमारे विद्यालय के बच्चे सभी ने साथ ये तस्वीर बदलने की ठान ली, तभी ऐसा संभव हुआ है। लाइफ में अगर है कुछ बनना तो रोज आना है स्कूल।